तो है दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें कैंडिड V6 टैबलेट के बारे में। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, किस तरह के समस्या में किया जाता है, कब आपको इसे यूज़ करना चाहिए और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको हिंदी में शेयर करने वाला हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर आप पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्यूचर में और बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कैंडिड V6 जो टैबलेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर क्लोट्रिमाजोल है, इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपको इससे रिलेटेड समस्या रहती है, जैसे कि आपके वाजाइना में जैसे कि बर्निंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है कुछ, या जिसके वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल तभी आपको बेनिफिट देता है। कैंडिड V6 टैबलेट के साथ में एक अप्लीकेटर भी आता है, तो इसका इस्तेमाल आपको नाइट टाइम में करना है, सोते समय करना है, जब आप साथ में सोते हैं तभी, और इसका लगातार आप एक दिन करके यूज कर सकते हैं, या जैसे कि कंटिन्यूअस 6 दिन तक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलता है। जैसे इसका आपको टैबलेट लेना है, एप्लीकेटर के अंदर फिट करना है और उसको इंसर्ट करना है आपके वजाइना के अंदर, जहाँ तक जा सके वहाँ तक आपको इंसर्ट करना है, और नाइट भर इसे आपको उसके अंदर छोड़ देना है, और उसके बाद मॉर्निंग में आपको वॉश कर लेना है। तो अगर आप ये 6 दिन लगातार करते देखेंगे, जो भी इन्फेक्शन था आपके उधर हो जाता है, और जैसे कि आपको फंगल इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है, जो बर्निंग, इरीचिंग और इरिटेशन लग रहे थे वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें। तो अगर आप खुद से लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है। तो अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट देखने को हो सकता है, जैसे कि आपके वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, ब्लिस्टर हो सकता है, स्किन का पतलापन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, और जैसे कि वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है। तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्यूचर में और बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।